मूसा, जरा इन चावलों को देख लेना। अम्मी अम्मी मुखिया आ रहे हैं। वाह वाह मेहमान आ गए, वाह वाह मेहमान आ गए। मैं जरा जाके आता हूँ जल्दी से। सलाम अलैकुम। तैयार हो रहा है। सलाम, मुबारक हो। खुश आमदीन। मुबारक हो, मुबारक हो। खुदा मुबारक करे। खुश आमदीन। आपका कैसे? मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। सलाम अलैकुम। मुबारक हो जनाब। सुगरा नहीं आई? पीछे आ रही हैं। हाजरा जरा सूरी का ख्याल रखना बेटी। सलाम अलैकुम। खुश आमदीन। जरा खड़ी हो, तुम्हारा लिबास देखूं। कहती है दुनिया ने बनाया, बहुत खूबसूरत है, क्या उसी ने सिला है? जाहिर है, बेहतरीन दर्जन से सिलाई सीखी है। हमारे लिए भी सिएगी। आपको दुनिया से बात करनी होगी, मुझे लगता है मान जाएगी। अलबत्ता नहीं जानती कितना पैसा लेगी। तुम्हारी बेटी हमारी भी बेटी है सौरभ। हम चाहते हैं कि लोगों की इज्जत भी महफूज रहे। बुरा तो नहीं है जो हम कहते हैं, उसको अकेले मत रहने दो। एक अकेली औरत घर में तन्हा रहे ये अच्छा नहीं है, वो भी रात में। खुदा ना खास्ता मेरी जबान बंद हो जाए, अगर कोई हादसा पेश आ जाए तो हम सब पछताएंगे। हमें हक दो कि तुम्हारी बेटी के लिए फिक्रमंद हो, क्योंकि ये पहली दफा है कि इस बस्ती में कोई औरत अकेले रहना चाहती है। कौन कहता है कि अकेली है? मैं तो दिन रात उसके साथ होता हूं। उसे अपने घर ले आओ। उस इतने बड़े घर में जो बस्ती के कोने में भी है, अकेली क्या करेगी? कहा लेकिन नहीं मानी। कहती है कि ये मेरा घर है। ठीक ही कह रही है, क्या नहीं है? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है। उसे कुछ अरसे वहां रहने देते हैं, आगे अल्लाह मालिक। हमारा तो कोई जाती मकसद नहीं, नेक नियति से कह रहे हैं। हम दुआ करते हैं कि उसे कोई अच्छा सा शौहर मिले इंशाल्लाह, कि उसे इस दर बदरी से निजात मिल जाए। दुनिया बेगम, दुनिया बेगम। सलाम सलाम। ऊपर आ जाओ, आ जाओ ऊपर, आओ। खुशामदीद। आ जाओ अंदर, आ जाओ। आओ बैठो। क्या तुम सुई धागे से नहीं सी सकती हो? नहीं, सिलाई मशीन के बगैर नहीं हो सकता, बहुत मेहनत लगती है। सिर्फ हम दोनों के लिए सिलो, जितना पैसा लगेगा हम दे देंगे। हम मदद भी करेंगे। नहीं हो सकता कौकब बहन, सिलाई मशीन के बगैर नहीं हो सकता। मूसा की बीवी को दे दें, उन्हें तो सिलाई आती है और उनके पास तो मशीन भी है। जुलेखा को सिर्फ एक डिजाइन आता है। उसने जब गुलबुते का सूट देखा तो उसकी आँखें फटी की फटी रह गयी। क्यों? जलन की वजह से। वो जमील से मिली हुई है, वो सबसे खराब कपड़ा सरको लाता है और जुलेखा जमील से मिली हुई है। मेरी अम्मी ने अब्बू जान के लिए पजामे का कपड़ा खरीदा था, जुलेखा ने सिया, धुलते ही छोटा हो गया, उसे कुछ नहीं आता। सिर्फ एक दफा सोगुल के पास गई थी और बन गई मोहल्ले की दर्जन। सिर्फ हम ही नहीं हैं, जिसने भी गुलबुते का लिबास देखा उन्हें बहुत पसंद आया, हर कोई तुम्हारे पास आना चाहता है। और गाँव के आस पास क्या वहाँ सिलाई करने वाले हैं? वो तो जुलेखा से भी बदतर है। ये कपड़े कमीज के लिए ठीक नहीं है। जमील कपड़े वाला आए तो मुझे खबर करो, ताकि तुम लोगों के लिए अच्छे कपड़े मंगवाऊं। जुमे को बस्ती में आके वो कपड़े बेचता है। हाथ से सिलोगी? नहीं, हाथ से नहीं होगा। एक दिन जुलेखा के घर जाकर ही वहीं तुम्हारे लिए सिल दूंगी। अच्छा, तो अब हम हुरूफ की मश्क करेंगे। मैं जब गिलान में थी उस वक्त लिखने पढ़ने के इब्तदाई हुरूफ स्कूल में सीख लिए थे। ये भी अच्छी बात है, ये तो हमारे काम को और भी आसान बना देगा। लेकिन अरबी के हुरूफ
और फारसी के हरूफ में थोड़ा फर्क है। अरबी हरूफ में हरकत होती है, जेर और जबर होता है, यानी आ ए ओ अन इन उन। समझ गई तुम? स्कूल में जो सीखा है वो हमारे दर्स के आगे बढ़ने में बहुत मदद देगा और आइंदा भी हमारे काम आएगा। फारसी की अदबियात की किताबों जैसे गुलिस्तान सादी और बोस्तान वगैरह के पढ़ने में अरबी और फारसी के बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो मुश्तरक हैं और हम उनका इस्तेमाल करते हैं, और ये लफ्ज कलमा भी अरबी का लफ्ज है। समझ रही हो ना? अब अगर तैयार हो तो हम शुरू करते हैं। जी हाँ। ठीक है। अलिफ दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। अलिफ दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। इन अन उन, इन अन उन। बे दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। 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 बिन बन बुन, बिन बन बुन। ते दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। ते दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश। तिन तन तुन, तिन तन तुन। तालीम हासिल करना बुरा है क्या? नहीं। हमने सारी उम्र बगैर किसी मुसबत तब्दीली के गुजारी है सौरभ। हमारा हर रोज कल की तरह और हर साल पिछले साल की तरह था। क्या सीखा, कहाँ पहुंचे, इस दुनिया में क्या देखा? अब तुम्हारी बेटी जिस वजह से भी हो शहर गई और दुनिया देखी, वो तालीम हासिल करना चाहती है, एक अलग तरह से जिंदगी गुजारना चाहती है, तो क्या बुरा है? डरता हूँ कि किसी मुसीबत में न पड़ जाए। उसने कम मुसीबतें नहीं देखी हैं। अगर बात अक्ल की पुख्तगी की करें तो अब तक पुख्ता हो चुकी है, शायद हम दोनों से भी ज्यादा। जानता हूं सौहराब, तुम लोगों की बातों से डरते हो। ये बस्ती बहुत छोटी है। तुम जो भी करोगे लोग बातें बनाएंगे। किसी ने एक तन्हा औरत को जिंदगी गुजारते नहीं देखा। लोग भी यही कहते हैं। तुम लोगों की बातों की वजह से उसके पास ज्यादा रहो, रातों को उसके घर सोया करो, उससे ना कहो कि तुम्हारे घर आए। दुनिया समझदार है सोहराब, वो चाहती है कि दुनिया जान ले कि वो घर और बाग उसका है। ये मुखिया की दिली ख्वाहिश है कि वो वहां से चली जाए। तुम क्यों इन बातों में आते हो सोहराब? डरता हूं कि लोग उसके पीठ पीछे बातें ना बनाएं। खुदा करे उसके लिए किसी शरीफ और अच्छे मर्द का रिश्ता आ जाए। सलाम। 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 क्या हुआ है अबू जान? रात को कुत्तों को लाके सहन में छोड़ दिया करूंगा ताकि कोई इस घर के नजदीक आने की कोशिश ना करे। ऊपर आ जाइए, चाय तैयार है। हमें चलना होगा बेटी, अली सुबह सवेरे आके कुत्तों को ले जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जगह महफूज है अबू जान। मैं नहीं डरती अबू जान, लेकिन मेहरदाद कुत्तों से बहुत डरता है। आप फिक्र ना करें, इन कुत्तों को यहाँ से ले जाए, गुलबूते आ जाएगी मेरे पास। उसे मना कर दो, आज रात से मैं खुद आके यहाँ सोया करूँगा। ऐसा नहीं हो सकता अबू जान, आप जहमत में पड़ जाएंगे। मैं जो कहता हूँ कहो, ठीक है, समझी? चलें। आ, 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 चल, आ,
चल। कपड़े लाया हूँ, ले लो। खूबसूरत रंग बिरंगे सूट ले लो, आला कपड़ा है ले लो, अच्छे कपड़े हैं, रंग बिरंगे हैं। कपड़ों की क्वालिटी उनकी कीमत के बराबर नहीं है, तो मत खरीदो। ठीक है, नहीं लूंगी, लेकिन अगर दूसरों को पता चल गया तो वो भी नहीं खरीदेंगे। चलो लड़कियों। एक मिनट लड़की, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर अपना रेट खराब नहीं कर सकता। तुम्हें जैसा कपड़ा चाहिए ऑर्डर दो, मैं ले आऊंगा। तुम अपने आप को भी सुधार लो और अपने कपड़ों को भी। आओ ले लो, अच्छे कपड़े, हर तरह के खूबसूरत रंग बिरंगे, हर तरह के कपड़े। आओ ले लो, रंग बिरंगे। सलाम ज़ैनब। अच्छे कपड़े हैं, आला कपड़े हैं, ले लो। सलाम खाला जान। सलाम। ये ले मंसूरा बहन, आपके लिए उम्दा कपड़े लाया हूँ, बहुत अच्छा कपड़ा है। सोगुल के सर की कसम, सिलाई मशीन खराब हो गई है, खुसरू को दी है कि शहर से ठीक करवा के लाए। कोई बात नहीं, महल में किसी और के पास सिलाई मशीन है? नहीं दुनिया बेटी, लेकिन एक दो हफ्ते सब्र करोगी तो मेरी अपनी मशीन ठीक हो जाएगी। कोई चारा नहीं है, सब्र करना पड़ेगा। मर्द बाई तरफ के कमरे में, औरतें दाई तरफ के कमरे में, बैतुल खला गोदाम के पीछे है। मालका, मालका। कल एक सिलाई मशीन ले गए थे, आज फिर लेके जा रहे हो, खैर तो है सरकों में? कल जो लाया था वो जुलेखा की थी, और ये दुनिया के ऑर्डर पे लाया हूँ। कल तक तुम्हारे पास अमानत रहेगी। हमें याद करती है? हर रोज। सिर्फ कह रही थी कि महलका को नहीं बताना कि मैं गांव में हूं, लगता है वो खुद ही तुम्हें बताना चाहती है। ये कपड़ा पकड़ो। आओ एक बार फिर से तुम्हारे कंधे का नाप ले लेती हूँ, देखूँ ठीक है कि नहीं। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम दुनिया। अलैकुम सलाम। जहमत क्यों की खाला? जहमत कैसी, मदद करने आई हूँ। आपकी बेहतरीन मदद मेहरदाद का ख्याल रखना है। गुलबुते उसे छोड़ेगी तो मैं उठाऊंगी ना। मेहरदाद को चिड़िया की तरह ऊपर नीचे उछालते हैं, हाजरा और दूसरे बच्चे भी खेलते हैं। सलाम सोहराब खान। अरे गिर मत पड़ना, डरो नहीं। सलाम हवा बहन। इनमें से अभी कुछ कच्चे हैं,
पकने पर ये खुद ब खुद गिर जाएंगे। कौवे कहाँ छोड़ेंगे, उनका भी अपना एक हिस्सा है। जाके मुखिया के बाग के अखरोटों को खाएं। मंसूरा बहन, अब तो मेरा कोई कस्टमर नहीं बचा है। तुम्हारी अपनी गलती है, दुनिया के सिले हुए कपड़ों को देखकर तुम भी कुछ सीख लो। लोग जल्दी बातों में आ जाते, उसकी ऐसी तारीफें करते जैसे कोई शहरी हो। आप नाराज ना हो खाला जान, बहुत अच्छे कपड़े सीती है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि दो लिबास जैसा हो। कुछ किताबें हैं उन्हीं में से देखकर सीती है, जिसे डिजाइन की किताब कहते हैं। इन कामों की वजह से आखिरकार बस्ती को बदनाम करके रहेगी। क्यों बदनाम करेगी, फजूल बातें क्यों कर रही हैं? इकबाल, तमीज से बात करो। तुम्हारे पास इतने सालों से सिलाई मशीन है और तुम्हें कमीज तक सीना नहीं आता। जाहिर है लोग उसके पास जाएंगे। मैंने सुना है वो पैसे बटोर रही है, हक है उसका ये। अगर मैं औरत होता तो मैं भी अपने कपड़े उसी को देता। मैं भी उसी के पास जाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। उससे दुल्हन के कपड़े सीने को दे रहे हैं, तो क्या मेरा जाना गलत होगा? कई दफा जमील कपड़ा बेचने वाले से लड़ चुकी है। ज़ैनब, तुम्हें याद है एक दफा सुलेखा खाला ने मेरे लिए एक पजामा सिया था, एक दफा धोने के बाद जानू तक छोटा हो गया। हाँ मुझे याद है। मैंने तो छोटा नहीं सिया था। दुनिया कहती है वो जमील हमें बहुत घटिया कपड़े बेचता है। मैं तो उसी के पास जाऊंगी। तुम्हारे अब्बू नहीं मानेंगे, मुखिया आप ही इससे कुछ कहें। खुशनसीब होगा वो मर्द जो उससे शादी करेगा। उसके हर हाथ में हजार हजार हुनर हैं, बाग, घर, जिंदगी। मर्द तो मौजूद है, सिर्फ मुंतजिर है कि कोई उसके लिए कदम आगे बढ़ाए। कौन? जुलेखा का भाई। करामत? करामत तो शादीशुदा है। दस सालों से बे औलाद है। एक दफा मैंने खुद उसके मुंह से सुना, खेल खेल में कह रहा था दूसरी शादी करना चाहता है। वो हमेशा ऐसे भोंडे मजाक करता है। मजाक करता है लेकिन अपने दिल की बात मजाक में ही कह जाता है, बस शर्माता है। वो मजाक करता है कि शायद उसकी बहन या बहनोई कदम आगे बढ़ाए, लेकिन तुम लोगों को उसकी फिक्र ही नहीं है। उसकी बीवी को पता चलेगा तो कैसा लगेगा? उसे बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारे पास बहुत टाइम है। धीरे धीरे से कदम आगे बढ़ाओ। इस बारे में करामत से पहले बात करो, उसकी बीवी भी तो यहाँ से दूर रहती है। जब तक उसको पता चलेगा दूसरी शादी हो चुकी होगी। क्या मैंने गलत कहा मूसा? इस तरह खुदा भी राजी हो जाएगा और खलके खुदा भी खुश। ये लड़की भी इतनी पाक, शरीफ और मेहनती है कि सब उसकी शराफत की कसम खाते हैं। करामत भी उसके लिए अच्छा शौहर साबित हो सकता है। बेचारे ने सारी उम्र मेहनत की फिर भी खाली हाथ है। अब सब कुछ मिल जाएगा, औरत भी, जिंदगी भी। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दुनिया भी हमारे हाथ में आ जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين
فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. शाबाश, सारी उम्र बच्चों को पढ़ाता आया हूं, बहुत जहीन बच्चे देखे हैं लेकिन तुम्हारी तरह कोई नहीं देखा। अफसोस के मुझ बूढ़े से और कुछ नहीं बन पा रहा। अगर मैं इस मुल्क में किसी ओहदे पर होता तो तुम्हें पढ़ाई के लिए तेहरान भेज देता। ये आपकी मोहब्बत है मिर्जा। नहीं बेटी, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं है। मैं अपनी जिंदगी में जब भी तुम जैसे शागिर्दों से मिलता हूँ और देखता हूँ कि उनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो बहुत दुख होता है। मेरे पास एक किताब है, मैं चाहती हूँ कि आप जाने से पहले वो मेरे लिए पढ़ें। मुझे अभी बहुत देर हो चुकी है बेटी, मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी। रूतबार में सर्दियां जल्दी आ जाती हैं। किताब कौन सी है? नहजुल बलागा। अगर जिंदा रहा तो अगले साल। खुदा आपको लंबी उम्र दे। अच्छा, तो अब मेरा दिल चाहता है कि तुमसे आखिरी सबक सुनूं। ठीक है मिर्जा साहब। कुरान को बोसा दो और रहल पर रख दो। मैंने कुरान की जो तालीम तुम्हें दी है और जो भी कुछ तुमने स्कूल और क्लास से सीखा है, दोनों की मदद से तुम लिखने पढ़ने के काबिल हो गई हो। लेकिन याद रखना, हमेशा पढ़ाई की मशक करती रहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पढ़ो। मिन्नत खुदाई रा عزوجل که طاعتش موجب قربت است و به شکرندرش مزید نعمت. هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح ذات. پس در هر نفسی دو نعمت موجود است و بر هر نعمتی شکری واجب. از دست و زبان که براید که از عهده شکرش به در آید. خدا تیرا شکر.
खुदा करे अपनी शादी पर पहनो बेटा। वाह वाह, देखिए ना गफूर फूफा, दुनिया ने अपनी बहन भाइयों के लिए कितने खूबसूरत कपड़े सिए हैं। खुदा तुम्हें जजाए खैर दे दुनिया बेटी। सुकरा अम्मी के लिए भी सिला है। हाँ रखे हैं, शादी में पहनूंगी। तो इस हिसाब से सिर्फ मैं और सोहरा भी बाकी रह जाते हैं। मेरे पास मर्दाना कपड़ा नहीं है फूफा जान। लाओ दुनिया बेटी, मेहरदाद को मुझे दे दो। आजा मेहरदाद मेरे पास आ जा। माशाल्लाह। अरे अरे अरे, मेहरदाद को मुझे दो। मेहरदाद मेहरदाद बेटे। दुनिया दुनिया बेटी जरा यहाँ आओ। जरा चख के बताओ कि नमक सही है। पहले बच्चों के लिए। तुम भी तो मेरी बच्ची हो। नहीं अबू जान, बच्चों के लिए ले जाती हूँ। बहुत लजीज है अबू जान। सुगरा, दस्तरखान बाहर तख्त पर बिछाएं, ज्यादा मजा आएगा। जी। आखिरकार बच्चा सो गया गुलबुत्ते बहन? हाँ सो गया। ये लीजिए फूफा। बहुत बहुत शुक्रिया गुलबुत्ते बेटे, ये ले। ये लीजिए फूफा। ये सुगरा बेटे के लिए रख दो। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह ये लो हाजरा, कितना मजेदार कबाब बना है। खुदा तुम्हें सलामत रखे। बड़े अरसे के बाद हम सबको यहाँ इकट्ठा किया है। हमेशा ख्याल आता है कि तुम्हारी मरहूमा माँ और सलीमा फूफी भी यहाँ पर हैं। खुदा उनकी मगफिरत करे। वाह वाह, खुदा मगफिरत करे। अबू जान आप ठीक हैं? ठीक हूँ। खुदा ज़ेबा को गरीबे रहमत करे। जब भी कबाब बनाता था तुम्हारी तरह आके मेरे पास बैठ जाती थी, हर सीख से एक बूटी निकाल करके अपने मुंह में रखती थी। खुदा तुम्हें अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। खाइए खाइए अबू जान। आओ मिलकर चाय पीते हैं।
आ जाओ सौरभ, सुग्रा बेटी तुम भी आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी प्यारी बेटी दुनिया, आ जाओ चाय पी लो बेटी, आ जाओ। खुदा तुम लोगों को ताकत दे, ताकत दे। दुनिया बैठो, ये लो। तुम भी लो। आपका बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए, ये लो शक्कर। सलामत रहो। जैनब, तुम्हें किस रंग के कपड़े पसंद हैं? तुम खुद चुन लो, जो भी कपड़ा और रंग तुम्हें पसंद हो। ठीक है। देखो ये अच्छा है। इसका मतलब तुम बेचना नहीं चाहती? आपकी कीमत पर बिल्कुल नहीं। तुम्हारी बताई हुई कीमत में तो मैं कभी नहीं लेने वाला। आप लेना नहीं चाहते हैं, मैं बेचना नहीं चाहती, तो आपका भी भला और हमारा भी। नहीं बेचोगी तो सड़ जाएंगे। मैं बेच लूंगी। कहाँ? शहर में। वहाँ तक कैसे ले जाओगी? जैसे आप ले जाते हैं। हमारा माल ज्यादा होता है, इसीलिए हमसे आधा किराया लिया जाता है। मैं अगर पूरा किराया भी दूं तो जिस कीमत पर आप ले रहे हैं उससे दुगना मुनाफा हासिल कर सकती हूं। मैं तुम्हारी खातिर इस बाग में आया हूं। लेकिन माल मेरी बेटी का है। मैं औरतों के साथ सौदा नहीं कर सकता। अब अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल नहीं बेचना चाहती। अब्बू जान, बोरियों को अंदर ले जाके गोदाम में रखते हैं, मुनासिब वक्त पर मैं खुद ही शहर ले जाऊंगी। हमने करामत से अपनी बातें कह दी हैं मुखिया। तो फिर मुबारक हो। अगर लड़की का इनकार हुआ तो मेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। इनकार क्यों करेगी? तुम्हारे जैसा शौहर उसे कहाँ मिलेगा? मैं तो कहती हूँ पहले किसी को भेजकर लड़की से बात करते हैं। नहीं, लड़की का बाप सोहराब है, पहले सोहराब को कबूल करना होगा, लड़की को नहीं। हमारी बस्ती में आज तक किसी ने लड़की से उसकी राय पूछी है क्या? अगर बाप ने हाँ कह दिया तो लड़की को मजबूरन मानना पड़ेगा, वो भी एक बेवा औरत को। बेहतरीन तरीका यह है कि सबको पता चले कि हम उसका रिश्ता मांगने जा रहे हैं, हमें कुछ तोहफे तहफ खरीद कर नेक शगुनी के तौर पर ले जाना पड़ेगा। इस तरह के सभी लोग देख लें, फिर सोहराब मजबूर हो जाएगा कि कबूल कर ले। वो एक बेवा औरत को हमेशा अपने पास नहीं रख सकता। वो जानता है कि अगर ऐसा करेगा तो लोग बातें बनाएंगे। जानते हैं अगर उसने इनकार किया तो कितनी बेइज्जती होगी। अगर मेरी बीवी को पता चल गया तो ऐसी कयामत खड़ी कर देगी कि मत पूछे। वैसे भी अगर हर महीने उसकी पीठ पर एक डंडा ना तोड़ूं तो चुप नहीं बैठती। हिटाई तो है ही औरत जात के लिए, अगर इस दफा बोली तो दो डंडे तोड़ देना उसके ऊपर। तुम कोई गैर शरई काम तो कर नहीं रहे हो करामत जो डर रहे हो। मुझे डर कैसा मुखिया, मैं चाहता हूँ कि उसकी तरफ से एतराज ना हो। एक दफा शादी कर ली तो बात खत्म। मैं पहली बीवी को उसके गांव छोड़कर यहाँ आके इसके साथ रहने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। तुम सभी बेइंसाफ हो, नहीं कि उसमें कीड़े नजर आने। कहाँ जा रही हो जुलेखा? आप ही ने तो कहा सबको पता चलना चाहिए, तो मैं जाकर मोहल्ले की औरतों को बताती हूँ। शाबाश, आफरीन, मुबारक हो। इंशाल्लाह। कहाँ, हम सोहराब की बेटी का रिश्ता मांगने जा रहे हैं अपने भाई करामत के लिए।
मुखिया मुबारक हो। करामत को मुबारक हो। सोहराब की बेटी का रिश्ता मांगने जा रहे हैं। या अल्लाह, अमरे खैर के लिए आए हैं। क्या हुआ है जैनब? तुम्हारा रिश्ता लेकर तुम्हारे अब्बू के घर गए हैं। मेरा रिश्ता मांगने? करामत जुलेखा का भाई। सुनो सोहराब, ये करामत एक पाक, नेक और मेहनती इंसान है। इस इलाके में तुम्हारी बेटी के लिए इससे अच्छा रिश्ता मिलने वाला नहीं है। तुम्हारी बेटी भी हमारी बेटी की तरह है। ये अच्छी बात नहीं है कि इस इलाके में मजीद तनहा जिंदगी गुजारे। करामत की पिछली बीवी से भी कोई औलाद नहीं है। सलाम दुनिया जान। देखा कैसी बेइज्जती हुई? बस्ती की लड़कियां ये देखेंगी तो बेबाक हो जाएंगी। ओहो मुखिया, देखा ये क्या हो गया? चलो